प्लाजो का वीडियो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। कॉट कॉलर कुर्ता या शर्ट भी बोल सकते हैं आप, उसकी कटिंग पहले हम इस पेपर पर करेंगे। और इस कॉट कॉलर कुर्ता और प्लाजो को बनाने के लिए आपको 42 विड्थ वाला 4.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लेंगे, तो आपकी जो भी लंबाई आ रही है आप वह लीजिए। तो इस तरह से यहाँ से लंबाई हमारी है 34 इंच, तो मैं यह 34 और उसमें नीचे से फोल्ड करने का 2 इंच ले लूँगी, 36 इंच ले लूँगी। 34 इंच हमारी लंबाई आ रही है, हम 36 इंच लंबाई ले लेंगे और एक मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और 2 इंच के निशान में हम 1 इंच अलग कर देंगे और 1 इंच अलग कर देंगे और पूरी यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1-1 इंच से। यह हमें एक्स्ट्रा रखना है कटिंग करने से पहले। अगर आपको कॉलर आपका चौड़ा रखना है तो आप यहाँ से 2 की बजाय 2.5 इंच और 3 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने जो दोनों निशान लगाए इसके बाद से हम अपने कुर्ते के मार्क लगाएंगे। तो आप चाहें तो इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए पेपर को, ये पेपर है तो बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे तीरे का आधा, तीरा इस कुर्ते में है 15 इंच, तो 15 इंच का हम हाफ करेंगे। तो ये 15 पे आप ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए तो आपका हाफ आ जाता है 7.5 इंच, ये देखिए। और फिर हम इसमें आर्म होल लेंगे 7.5 इंच, सीने के नाप 30 इंच है, 32 सीने के बाद से अगर आपको आर्म होल 32 सीने का नाप आता है उसके बाद से आप आर्म होल 8 इंच लीजिए, लेकिन हम यहाँ से 30 सीने का नाप है इसलिए मैं यहाँ से आर्म होल 7.5 इंच ले रही हूँ। इस मार्क को हम बराबर करेंगे, यहाँ से भी 7.5 इंच होना चाहिए। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। मैं सिलाई और मार्जिन का साथ में ही ले लेती हूँ। तो सीने का नाप 30 इंच है तो हम यहाँ पर 30 पर इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड कर लेंगे तो चौथा हिस्सा निकल आएगा। सीने का नाप आपका जो भी आए आप इस तरह से उसको 4 फोल्ड कर चौथा हिस्सा निकाल सकते हैं। तो इस कुर्ती के सीने का चौथा हिस्सा आ रहा है 7.5 इंच, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। हम सिलाई और मार्जिन का साथ में ही प्लस कर लेते हैं ताकि बार बार हमें आपको कटिंग करते हुए कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद इस कुर्ती की कमर लंबाई है 14 इंच और हिप लेंथ है 20 इंच, कमर का नाप 26 इंच है। 26 इंच पे आप इंची टेप को ऐसे रखिए, डबल फोल्ड करिए और 4 फोल्ड कर लिए तो आपका चौथा हिस्सा निकल आएगा। तो चौथा हिस्सा आता है 6.5 इंच, इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। ये राउंड 36 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे, 36 पे आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए फिर 4 फोल्ड करिए तो चौथा हिस्सा निकल कर आपका आ जाएगा। इसमें हमारा चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ से स्लिट खुले होते हैं तो यहाँ पर हम 1 इंच ही प्लस करते हैं कुर्ते में। अब हम इन निशानों को थोड़े से कर्व स्केल से आपस में मिला लेंगे। ये बहुत हल्का कर्व स्केल है इसलिए मैं इन्हीं से इसको मिला रही हूँ। अब हमारा जो ये नाप आया 10 इंच, वहीं हम लंबाई में इससे 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। तो यहाँ 10 आ रहा है तो हम यहाँ 11 इंच ले लेंगे और इसको हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हम सीधे साइड से मिलाएंगे स्केल की। अब हम ये फ्रेंच कर्व से आर्म होल का मार्क लगा देंगे। ये हमारा 1 इंच करीब सिलाई में जाएगा और यहाँ से हम 0.5 इंच लेंगे। कॉट कॉलर बनेगा इसलिए हम गले की चौड़ाई 2 इंच ले रहे हैं।
यहाँ से हम अंदर की तरफ एक इंच लेंगे और ये फ्रेंच कर्व से हम एडजस्ट करते हुए इस जगह से यहाँ मिलाएंगे पहले और फिर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब हम नेक की लंबाई यहाँ से 3 इंच लेंगे। सीने का नाप थोड़ा ज़्यादा आता है तो आप 3.5 इंच तक भी लंबाई ले सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और बैक पार्ट में हम यहाँ से 1 इंच नेक लेकर उसकी कटिंग करेंगे। 1 इंच की नेक की हम इसलिए कटिंग करेंगे क्योंकि जब यहाँ से सिलाई में जाएगा ये इतना तो यह यहाँ से बराबर हो जाएगा। अब हम पीछे वाले नेक की ये स्लांट रोक के उसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम ये जो नेक वाला पोर्शन है इस जगह से हम 5 इंच लेंगे। इस नेक के नीचे से हम 5 इंच लेंगे, यहाँ एक मार्क लगाएंगे और इसको हम यहाँ से पूरा इसको सीधा मिलाएंगे और यहाँ से हम ये जो हमने 1 इंच का मार्क लगाया है इसको इससे तिरछा मिला लेंगे। और अब हम ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। आपको अगर 2 इंच चौड़ा कॉलर करना है तो आप इस तरफ एक्स्ट्रा रखिए। वैसे तो ये 1 इंच में ही कॉलर चौड़ाई में काफ़ी सफिशियंट होता है। तो यह कॉलर की कटिंग करने के लिए मेन इसके वजह यह है कि हमें यहाँ से इसको ऐसे कट करना होगा तिरछा और फिर यहाँ से ये कट करना होगा। और ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है ये हमारा एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होगा क्योंकि आगे से कॉट कॉलर का ये जो शर्ट है वो खुला रहेगा, तो इसके लिए हमने इसको 1 इंच ज़्यादा रखा है। और ये 1 इंच हमने ये कॉलर को कट करने के लिए किया था। और अब हम यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा, तो ये इस तरह से और ये जो यहाँ मार्क है 2 इंच वाला यहाँ तक ये फोल्ड होगा, तो इस तरह से हमारा ये कॉलर बनेगा। और फिर आगे वाले के लिए हम आगे वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसको कपड़े पर रखकर कटिंग करने का मेथड बताती हूँ। तो यह मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, इस कपड़े की चौड़ाई 48 इंच है, 48 इंच है। तो इसमें मेरा कुर्ता और प्लाजो दोनों बन जाएंगे, लेकिन आप 42 वर्ड्स वाला कपड़ा लेंगी तो आपको 4.5 मीटर कपड़ा लेना होगा कुर्ते और प्लाजो दोनों के लिए। खाली कुर्ते के लिए आपको 2.5 मीटर कपड़े में बन जाएगा। अब ये कपड़ा मैंने लंबाई में इस तरह से डबल कर रखा है। पहले मैं यहाँ से ये फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखकर ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से ये इतना ज़्यादा ही रहेगा। अब सब हमें बिल्कुल इसको रखकर इसके जैसे ही इस पर कटिंग करनी है। ये फ्रंट वाला पार्ट ही बन रहा है। अब हम ये वाली सिलाई कटिंग करेंगे। अब हम इसका बैक पोर्शन निकालेंगे। ये हमारे फ्रंट पोर्शन है, यह कपड़े की जुड़ी हुई साइड है। हम इस तरफ से ही इसका बैक पोर्शन निकालेंगे। तो हम यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा रखा था ये पेपर पे इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम ऐसे इस कपड़े को निकाल लेंगे। और ये जो कपड़ा है हमारा ये यहाँ आगे की तरफ पट्टियाँ लगाने के काम आएगा। इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि आपकी ये जुड़ी हुई साइड होना चाहिए। और अगर आप कपड़ा बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, ये देखिए। और इस कपड़े को आप यहाँ से एक पकड़कर इस तरफ फैला लीजिए तो आपका ये कपड़ा जुड़ी हुई साइड एक साथ बच जाएगा। और अब इस पर हम मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। बस इसमें हम पीछे वाले नेक का बड़ा ध्यान से मार्क लगाएंगे। यहाँ से हमें इसको सीधा रखना है और फिर हम 1 इंच का मार्क लगाकर इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये बैक पोर्शन होगा, ये फ्रंट पोर्शन होंगे, और ये फ्रंट पोर्शन के लिए हमें यहाँ पर कॉलर के लिए सीधे ऐसे दो पट्टियों की ज़रूरत होगी, और वह हमें इतनी चौड़ी ज़रूरत होगी क्योंकि ये कॉलर इस तरफ टर्न होगा, शिफ्ट होगा, तो ये कॉलर के इसके पीछे तक, तो इतने चौड़े कपड़े की हमें ज़रूरत होगी सीधे सीधे जो नेक है उसके थोड़ा पास से। तो इन पट्टियों को आप चाहें तो सीधी कट कर लीजिए और इनको एक और पट्टी इधर साइड से निकाल कर उससे इस्तेमाल करिए। ऐसी एक और पट्टी की हमें ज़रूरत होगी फ्रंट वाले कॉलर को बनाने के लिए, और इसको आपको इसके साथ ऐसे रखना है और इसकी भी आपको यहाँ से ऐसे ही कटिंग करना है। नीचे थोड़ा कम है तो हम जॉइंट लगा लेंगे और यहाँ से हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक और कपड़े की कटिंग करेंगे और अब हम इस तरह से स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल, उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग का मेथड बताया है। हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स देखकर भी आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इस कुर्ती की सबसे पहले ये पट्टियों को ज्वाइंट करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पट्टियाँ कट की थी, ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी कट की है, इसको मैंने इस तरह से रखा है। ये हमारी सीधी साइड है अंदर अंदर, और यह बाहर की तरफ कॉलर के कपड़े की उल्टी साइड है। अब हम यहाँ से नेक की जो चौड़ाई हमने एक्स्ट्रा रखी थी 2.5 इंच, वहाँ तक हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच नाप लेकर इसमें कट लगा दूंगी कि हमें कॉलर यहीं तक बनाना है। ये चीज़ यहाँ से ऐसे टर्न होगी, तो हम यहाँ पर बराबर से लगा कर एकदम अच्छे से रख कर इन कपड़ों को और यहाँ पर कट लगा देंगे। आप कट लगा सकते हैं या कोई मार्क कर सकते हैं, इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे जो हमने कट लगाया वहां से। यहाँ सिलाई को मजबूत करें आप, यहाँ आकर आप सुई को अंदर रखें, फुट उठाएं और टर्न हो जाएं, मुड़ जाएं। यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे और पूरे में ऐसे कट्स लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यहाँ गोलाई वाली जगह पर भी हम कट्स लगा लेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे पहले। यहाँ आकर हम छोड़ देंगे, इतनी जगह हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ी सी जगह पर 1 इंच के करीब। और अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर आप कॉर्नर के लिए हमेशा किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी की मदद लेकर इसे बाहर निकाल लें और ये पूरा हमारा अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा, ये हमारा कट है। यहाँ से भी हम प्रॉपर कट लगाएंगे, ये जो हमारी सिलाई है इसके एकदम पास तक, इस तरह से, ताकि ये इस तरह फ्री रहना चाहिए। ये देखिए यहां से, ताकि हम इसको जो कॉलर लगाएंगे तो वह पकड़ में आए कपड़ा। अब हम यहां पर इन दोनों कपड़ों को एक कर लेंगे सिलाई लगाकर, दो में कॉलर लगाते हुए आसानी होगी। ये हमारा पोर्शन इस तरह से रहेगा। ऐसे ही सेम हम ये वाले पोर्शन को भी तैयार कर लेंगे। आगे से जो 1 इंच ज्यादा रखा था, तो वह पहले तो ये कॉलर वाला हमने 2 इंच ज्यादा रखा था और ये तिरछा कट किया था, तो ये कॉलर तो इस तरह से टर्न हो जाएंगे और यहाँ से ये एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो 1 इंच करीब ये ऊपर आएगा, इसलिए हमने इसको ज्यादा कट किया था। पूरा एक दूसरे के ऊपर आपको रखकर इसे बनाना है और ये कॉलर आपका इस तरह से आएगा। अब हम इसको पिछले हिस्से के साथ यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे शोल्डर से, फिर उसके बाद हम इसका मेन कॉलर लगाएंगे।
तो यहाँ से यहाँ तक हमें नॉर्मल सिलाई लगानी है दोनों तरफ। अब हमने ये शोल्डर जॉइंट कर लिए, अब हम इस पर कॉलर लगाएंगे। तो पहले हम इस गले को नाप लेंगे, तो हम यहाँ से इसको नापना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस जगह पर से, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़कर नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 13.5 इंच। तो हम 13.5 इंच का पहले कैनवास पर कॉलर की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम उसे कपड़े पर चिपका लेंगे। हम यहाँ हमें 13.5 इंच कॉलर कट करना है, लेकिन हम यहाँ से 13 इंच ही लेंगे। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। और कॉलर की चौड़ाई हम यहाँ से 3 इंच ले लेंगे और इस कपड़े को हम यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और इस तरफ से हम 1 इंच लेंगे कॉलर की ऊंचाई, और यहाँ से नेक की चौड़ाई हमारी 2 इंच थी तो हम वह ले लेंगे और इसको इस तरह से गोलाई में मिला लेंगे। तो ये देखिए गोलाई में मिलाने से ये 13.5 इंच करीब हो जाएगा, क्योंकि तिरछा होने पर ये देखिए इस तरह से करने पर ये नाप बढ़ जाता है। हम यहाँ से कॉलर की चौड़ाई को 2 इंच या 2.25 इंच रख लेंगे, क्योंकि बहुत चौड़ा कॉलर हम नहीं बनाएंगे, तो हम 2.25 का मार्क यहाँ से लगा लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस वाले कपड़े पर चिपका लेंगे एक्स्ट्रा पे। अब हमने इसको प्रेस कर इस कपड़े पर चिपका लिया है और यह एक और पीस कट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ये साइड हम खुली रखेंगे। कॉर्नर पर आकर आप सुई को हमेशा अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए। अब हम ये कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर हम ऐसे कट्स लगा देंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। और हम ये तो थोड़ा छोटा बड़ा हुआ है, इसको भी आपको बराबर करना होगा। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि सिलते वक्त कई बार हो जाता है, तो हम कटिंग में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और हमेशा कॉर्नर्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालें बाहर की तरफ। अब हम कुर्ते में कॉलर को जॉइंट करेंगे। तो हमारा ये कुर्ते का फ्रंट वाला नेक है और हमारा ये कॉलर गला है। तो कॉलर का जो कैनवास वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारा सीधा पार्ट है कुर्ते का। और यहाँ से इसको ऐसे रखकर बराबर से आपको सिलाई लगानी है। तो आप इसको इस तरह से करते हुए इस तरफ ले आए और इधर से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से हमें रखना है, एकदम थोड़ा फिनिशिंग सा है। और यहाँ पर डबल ट्रिपल मशीन आपको चलानी है और इसको कॉलर को और नेक को बराबर पकड़ते हुए धीरे धीरे मशीन चलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब हमने ये कॉलर लगा लिया है इस तरह से। अब हम इसको इस तरफ कर कर ये फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पर सिलाई लगानी है। बस आप इसको फोल्ड करते वक्त बिल्कुल ऐसे पकड़ कर खींचिए मत, बस आप इसको ऐसे रखिए, यहाँ रखिए और ऐसे ही रखिए, तो आराम से आपकी सिलाई लग जाएगी। अगर आप इसे खींचेंगे या कुछ करेंगे तो ये कॉलर बड़ा हो जाएगा और गला छोटा हो जाएगा और फिर उसमें शल देना होगा आपको। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सिलाई लगाइए। यहाँ से आप बहुत फिनिशिंग से इसको अंदर की तरफ करिए और अच्छे से रखिए और अच्छे से दिखते हुए सिलाई लगाइए। इस सिलाई को आप आगे तक चलिए यहाँ पर और फिर पूरे में नीचे तक लगा दीजिए। अब हम एक यहाँ नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसको हम यहाँ लगाते हुए यहाँ से लेते हुए इस कॉलर पर लेते हुए इधर तक ले लेंगे। एक नॉर्मल सी सिलाई लगानी है हमें। आप देखिए ये हमारा कोट कॉलर बनकर कंप्लीट है। ये हमने इसको सिंपल ऐसे कॉलर लगाया था, इसको यहाँ से तो आपको ऐसे ही रखना है और यहाँ बीच में आपको इसका हाफ कर लेना है, आधा कर लेना है।
और ये इस तरह से और यहाँ से ये इतना हमने 5 इंच रखा था तो ये 5 इंच फोल्ड हो जाएगा किस तरफ से भी, और यहाँ से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होगा। तो आप इस तरफ से इसको ऐसे रखिए और इस तरफ से भी आप ऐसे रखिए बराबर, और जितना फिर आपका एक्स्ट्रा एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो रहा है ये देखिए इतना करीब आपका 1 इंच से ज़्यादा ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, ये पीछे वाला पोर्शन यहाँ तक है। इस तरह से हमारा ये कोट कॉलर बनकर कंप्लीट है। अगर आपका नेक आपको बड़ा लगता है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए नेक की लंबाई 6.5 इंच आएगी, और आपकी चॉइस से आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं तो इस तरह से इसको और बाहर इस तरह कर लीजिए तो ये बड़ा भी हो जाएगा। छोटा करना या बड़ा करना जो भी आप करना चाहते हैं ये इसमें बड़ी आसानी से हो जाएगा। और हम यहाँ पर काज बटन लगा कर लेंगे और बटन लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब बंद करें तो इस तरफ सिलाई लगाएं ताकि ये दिखाई देने में खुला दिखाई दे कि ये हमारा कुर्ता खुला हुआ है, और नीचे आकर भी आप इसे थोड़ा खुला छोड़ दीजिए ताकि ये दिखाई देगा कि ये खुला हुआ है, और सिलाई आपकी इस तरफ आनी चाहिए इस जगह पर ताकि यहाँ से ये खुला हुआ दिखाई दे। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ लेंगे और इसको फिटिंग दे लेंगे। आप मेरी कुर्ता प्लेट देखकर इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें मैंने स्लीव्स जोड़ना, फिटिंग देना और फिर साइड में के स्लिट्स कैसे फोल्ड किए जाते हैं वह सब कुछ बताया, उसी मेथड से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये कोट कॉलर कुर्ता बनकर कंप्लीट है। और इसके साथ जो मैंने पजामा बनाया है वह मैंने आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला पजामा बनाया है। इसको बनाने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। इस तरह से कोट कॉलर और प्लाजो का सेट बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नए वीडियोस के लिए, और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।